आमिर खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस बात को सोचा नहीं होगा कि वो जिस तरह से उनका नाम मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, इनकी बड़ी बड़ी प्लानिंग लाल सिंह चड्ढा के दौरान फ्लॉप हो जाएगी। इस देश की आम जनता इनकी फिल्म को इतनी बुरी तरह पीट देगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकते, अंदाजा तक नहीं लगा पाए। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर बातें कही जा रही थी कि ये फिल्म तो 500 करोड़ का बिजनेस रिलीज से पहले ही कमा चुकी है, 160 करोड़ में ओटीटी की डील हो चुकी है, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज होती है तो पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धराशाही हो जाती है। ये जितनी भी 500 करोड़ 600 करोड़ कमाने की बातें आई थी सब की सब फेक निकली, इन पर किसी को कोई यकीन ही नहीं हुआ और ना ही ये लोग कोई सबूत दे पाए और ओटीटी डील भी मजबूरी में 90 करोड़ में करना पड़ा। कहानी ये भी आई कि आमिर खान इस फिल्म के फ्लॉप होने के चलते डिप्रेशन में चले गए हैं। लोग यही कहने लगे कि जो इंसान अपने भाई को पूरी जिंदगी डिप्रेशन में डालने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा, आज वो खुद एक फ्लॉप फिल्म क्या हो गई उसके चलते डिप्रेशन में चला गया है। हालांकि डिप्रेशन वाली बात प्रूफ नहीं हो सकी कि आमिर खान वाकई डिप्रेशन में गए थे कि नहीं गए थे। ये फिल्म उतनी बुरी लेवल पर फ्लॉप हुई थी कि साल 2018 में जब इनकी वो फिल्म आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो भी अच्छी खासी हिट रही थी मतलब इसके कंपेरिजन में, लेकिन लाल सिंह चड्ढा तो बहुत ज्यादा बुरी तरह फ्लॉप रही। आमिर खान के एक करीबी दोस्त ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, यहां पर ये अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे हुए थे, अपने बच्चों के साथ पहुंचे हुए थे। इस दौरान बातचीत करते हुए आमिर खान ने यह कहा था कि वो अपनी अगली फिल्म चैंपियन की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अब वो ब्रेक लेना चाहते हैं 1.5-2 साल का, क्योंकि आमिर खान का ये कहना है कि जब वो किसी फिल्म में काम करते हैं तो उस टाइम पीरियड के दौरान पर वो अपने फैमिली को भूल जाते हैं, उनके बारे में कुछ सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है, और यही वजह है कि मैं ब्रेक ले रहा हूं ताकि अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं। मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूं, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 35 सालों से काम करते करते मैं काफी थक चुका हूं, अब मैं अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देना चाहता हूं। 2-2 तलाक लेने के बाद आमिर खान को याद आया कि इनकी कोई फैमिली भी है। इनका ये कहना है कि मैं अब जिंदगी के अनुभव अब अलग तरीके से लेना चाहता हूं। एक्टर के तौर पर मैं 2-1.5 साल फिल्मों में काम नहीं करूंगा, अब मैं फिल्मों को सिर्फ प्रोड्यूस करूंगा और किसी नए यंग टैलेंट को फिल्म में लाने का काम करूंगा। और ये भी कह दिया है कि उनकी आने वाली जो फिल्म है चैंपियन, ये इसमें प्रोड्यूसर होंगे, लीड एक्टर कोई और होगा। देख लीजिए कि एक फ्लॉप हो गई फिल्म तो आमिर खान कहां से कहां पहुंच गए, और बॉलीवुड में लगभग हर बड़े कलाकार का यही हाल है। शाहरुख खान अभी भी चौड़े हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी 3 फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाएगी। अगर शाहरुख खान की फिल्म भी फ्लॉप होती है तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान का करियर का अंत आप समझ लीजिए।